गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। हाय। तो हम लोग जो है रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे और रिलायबिलिटी की मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने मीन टाइम टू रिपेयर के बारे में पढ़ा था। मीन टाइम टू रिपेयर क्या होता है आपका? मीन टाइम टू रिपेयर अगर देखा जाए तो कितना एवरेज टाइम किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने मुझे लगता है उसको कहते हैं हम लोग मीन टाइम टू रिपेयर। जैसे कि अगर एम टी आई इज ऑफन पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वेयर ए सिस्टम हुज एम टी आई इज 24 आवर्स इज जनरली मोर वैल्यूबल देन फॉर वन ऑफ 7 डेज इफ मीन टाइम बिटवीन फेलियर इज इक्वल बिकॉज इट्स ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी इज हायर। कितनी देर तक वो ऑपरेशनली हमारे पास अवेलेबल रहा, कितने देर तक के उसको रिपेयर करने में हमको टाइम लगा, दैट इज डिनोट बाई एम टी टी आर, मीन टाइम टू रिपेयर। मीन टाइम टू रिपेयर इज अ बेसिक मेजर ऑफ मेंटेनेबिलिटी ऑफ रिपेयरेबल आइटम्स। कोई काम आपने दिया और आपको ये मालूम है कि अगर ये काम बन जाता है और ये काम मेरा 2 दिन के अंदर होने वाला है तो कभी दो मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे, कभी हो सकता है 3 दिन लग जाए, कभी हो सकता है 1 ही दिन में वो चीज हो जाए। तो आप उन सबका एवरेज निकालेंगे तो वही आपका मीन टाइम हुआ। दिस इज एक्सप्रेस मैथमेटिकली इट इज द टोटल करेक्टिव मेंटेनेंस टाइम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ करेक्टिव मेंटेनेंस एक्शन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हम लोग के सामने आती है वो आती है मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। मान लीजिए कोई सिस्टम कोई काम कर रहा है और उसमें दो फेलियर्स होने के बीच में जितना समय लगता है दैट इज कॉल्ड मीन टाइम। यानी एक इट इज अ प्रेडिक्टेड इलैप्स टाइम बिटवीन इनहेरेंट फेलियर ऑफ ए सिस्टम ड्यूरिंग ऑपरेशन। एक कोई फेलियर अकर हुआ, फिर दूसरे फेलियर अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसको एम टी बी एफ कहते हैं। एम टी बी एफ कैन बी कैलकुलेटेड एज द अरिथमेटिक मीन एवरेज टाइम बिटवीन फेलियर ऑफ ए सिस्टम। द एम टी बी एफ इज टिपिकली पार्ट ऑफ ए मॉडल दैट अज्यूम दैट द फेल सिस्टम इज इमिजिएटली रिपेयर्ड एज ए पार्ट ऑफ ए रिन्यूअल प्रोसेस। जैसे आप अपना फोन देके आते हैं अगर सर्विस सेंटर पे तो आपका जो एम टी टी आर होता है वो काफी बड़ा होता है, 2 दिन बाद आइए 3 दिन बाद आइए। एक बार बनने के बाद अगला उसी तरह का फेलियर की प्रोबेबिलिटी आप देखते हो तो बहुत ही कम हो जाती है। क्लियर है चीज? जैसे आपने देखा होगा गूगल ड्राइव एक दिन काम नहीं कर रही थी, लेकिन ये कितने दिन काम नहीं करती और उसको रिपेयर होने में कितना समय लगा, दैट इज डिनोटेड बाय मीन टाइम बिटवीन रिपेयर एंड मीन टाइम बिटवीन फेलियर। क्लियर है? यस सर। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू मीन टाइम टू फेलियर विच मेजर एवरेज टाइम टू फेलियर विद द मॉडलिंग अजम्पशन दैट द फेल्ड सिस्टम इज नॉट रिपेयर्ड। यानी इनफाइनाइट
रिपेयर रेट उसका होगा। MTBF डिपेंड्स अपॉन द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज कंसीडर ए सिस्टम फेलियर। अब सिस्टम फेलियर की डेफिनेशन आपने क्या दे रखी है इस पे डिपेंड करता है आपका MTBF। फॉर ए कॉम्प्लेक्स एंड रिपेयर सिस्टम फेलियर्स आर कंसीडर टू बी दोज आउट ऑफ द डिजाइन कंडीशन विच प्लेस द सिस्टम आउट ऑफ सर्विस एंड इन टू अ स्टेट ऑफ रिपेयर। हम एक दो एरर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे एरर की बात कर रहे हैं जिसमें पूरा सिस्टम ही हमारा शट डाउन हो जाता है और वो स्टेट ऑफ रिपेयर में चला जाता है। फेलियर विच अकर डैट कैन बी लेफ्ट और मेंटेन इन एन अनरिपेयर कंडीशन एंड डू नॉट प्लेस द सिस्टम आउट ऑफ सर्विस आर नॉट कंसीडर्ड फेलियर अंडर दिस डेफिनेशन। मान लीजिए आपका सिस्टम प्रिंट नहीं निकाल रहा है, प्रिंट निकालने में फेलियर अकर हो रहा है, लेकिन पूरा सिस्टम तो आपका चल रहा है, आप उसको सिस्टम फेलियर की तरह अज्यूम नहीं कर सकते। क्लियर है? यस सर। यस सर। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू मीन टाइम टू फेलियर विच मेजर एवरेज टाइम टू फेलियर विद द मॉडलिंग अजम्पशन। अब आता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड, POFOD, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड, द लाइकलीहुड दैट द सिस्टम विल फेल व्हेन ए यूजर रिक्वेस्ट सर्विस। यानी जब आप किसी रिक्वेस्ट को कर रहे हैं सर्वर से और सर्वर डिनाइल कर रहा है, उसके क्या पॉसिबल चांसेस हैं, that is calculated under probability of failure on demand. A biometric authentication device that fails to correctly identify or reject user an average of once out of 100 time has POFOD of 1%. Clear hai ye ki aapki probability kya hai kisi bhi failure ki hone ki. Jab system apna बताया गया हुआ काम नहीं करेगा या आपने जो उससे रिक्वेस्ट की है और जो रिक्वेस्ट सही है उस समय आपके लिए अवेल नहीं होगा। क्लियर है बेटा? अब फेलियर रेट क्या होता है? फेलियर रेट इज अ फ्रीक्वेंसी with which an engineered system or component fail express for example in failure per hour. It is often denoted by Greek letter lambda and it's important in reliability engineering. मान लीजिए किसी किसी का lambda rate जो है वो बहुत ही ज्यादा है तो वो system क्या है आपका highly reliable नहीं है, वो सिस्टम आपका उतना यूजफुल नहीं है। क्लियर है? यस सर। द फेलियर रेट ऑफ द सिस्टम यूजली डिपेंड ऑन टाइम विद द रेट वेरिंग ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल ऑटो mobile's failure rate is in fifth year of service may be many time greater than its failure rate during its first year. पहले साल में कोई हार्डवेयर डिवाइस आती है वो उतना फेलियर नहीं क्रिएट करती है जितना वो ओल्ड होती जाती है और फेलियर जो है अकर हुआ करता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज सिस्टम अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी कंसिस्ट ऑफ ए proactive method of ensuring service uptime and resolving system outage. This functionality requires monitoring and planning for all components of the system and creating meaningful overview of success for future process refinement. तो future में process refinement होना है उसके बारे में ये चीजें बताती है कि कितना system की availability हमारी रहेगी।
फेलियर रेट कितना कम रहेगा। हम अक्सर उस जगह पे काम करने की कोशिश करते हैं जहां पे फेलियर रेट कम। फेलियर रेट ज्यादा होने की वजह से हम अपनी सर्विस हमारी डिनाइल होती जाएगी। अगर आप देखिए तो ये डायग्राम आपको दिखा रहा है कि यूजर ने रिक्वायरमेंट दी जिसमें फंक्शनल मॉडल था, इंफॉर्मेशन मॉडल था और रिक्वायरमेंट थी, जिसको सिस्टम डिजाइन के थ्रू हमने डिजाइन करना शुरू किया। अब सिस्टम डिजाइन में दो चीजें होती हैं, एक बैकएंड डिजाइनिंग होती है, एक यूआई डिजाइनिंग होती है। वैसे अगर देखा जाए तो नेटवर्क डिजाइन अलग होती है और भी कंप्लीट डिजाइनिंग होती है। और जब डेटा डिजाइन कंप्लीट हो जाती है, प्रोसीजर डिजाइन कंप्लीट हो जाती है, तब हम लोग कोडिंग की तरफ मूव करते हैं। जबकि हम लोगों में बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो ये चीज है आपकी ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें आप क्या आपका आता है, डीएफडी आता है, यूज केस आता है। और इसका आउटकम होता है SDD, सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट। तो इतना सब लोगों को लगता है कि ये सब क्रिएट करना बेकार है, हम लोग यहां से सीधे बाईपास करके इस वाले फेज पे चले जाते हैं जब हम CMM लेवल 1 में होते हैं। क्लियर है मेरी बात? सिस्टम ये है कि हमको पहले ये डिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद हम कोडिंग की तरफ मूव कर सकते हैं, जिससे हमको मालूम हो कि क्या क्या हमको करना है और क्या हमको नहीं करना है। तो अगर आप इस तरीके से पास कर रहे हैं खाली, अगर ये चीज आपकी इस तरह चलती हुई सीधे यहां पे कोर्ट में चली आ रही है, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी सीधी चीज है कि आप पहले यहाँ पे जाइए, सिस्टम डिजाइन कंप्लीट करिए, उसके बाद SDD के साथ आप कोडिंग करना शुरू करिए। क्लियर है बेटा? यस सर। The following are the some of the fundamentals of design. The design should follow a hierarchical organization. Hierarchy में चीजें होनी चाहिए। Design should be modular, which are logically partitioned into modules, which are relatively independent and perform independent tasks. Dependency के साथ देंगे तो आपके पास हमेशा ये problem रहेगी कि अगर अगले ने task अपना complete नहीं किया तो आपका task भी linger on होता रहेगा। तो इसलिए जब आप सिस्टम को डिवाइड करिए तो इस तरीके से डिवाइड करिए कि इंडिपेंडेंट टास्क हो जो एक दूसरे से डिपेंडेंसी जिनकी ना हो। डिजाइन लीडिंग टू इंटरफेस दैट फैसिलिटेट इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक ऐसा इंटरफेस बनाइए जो इंटरैक्टिव हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और काफी यूजर फ्रेंडली हो। आप ये मान के चलिए कि यूजर आप हैं और आप जिस तरह का इंटरफेस पसंद करेंगे यूजर भी उसी तरह का इंटरफेस पसंद करेगा।
Step wise refinement to more detailed design, which provide necessary detail for the developer of code. बारीक से बारीक चीज को आपको रिफाइन करना पड़ेगा और इस तरीके से चलना पड़ेगा जिससे कि आपको पता लग जाए कि क्या नेसेसरी डिटेल्स है जो डेवलपर कोड जनरेट करने में मदद देंगी. मॉड्युलरिटी इज इनकरेज टू फैसिलिटेट पैरेलल डेवलपमेंट बट एट द सेम टाइम टू मेनी मॉड्यूल लीड टू द इंक्रीज ऑफ एफर्ट इन्वॉल्व इन इंटीग्रेटिंग द मॉड्यूल. जो आप डिवीजन भी कर रहे हैं उसको भी ध्यान से करना है. इतना ना ज्यादा डिवाइड कर दीजिए कि बाद में इंटीग्रेशन करने में उसमें प्रॉब्लम आ जाए. क्लियर है मेरी बात? यस सर. आकाश है? आई आकाश है? और श्रुति? यस सर. अच्छा आप हो, आकाश नहीं है. और कौन नहीं है? महिमा नहीं है? तो ये क्लियर हो गया होगा. तो डिजाइन का yes, तरह से फ्रेमवर्क है. सबसे पहले आप क्या करते हैं, इनिशियल डिजाइन को क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग द एसआरएस सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के तहत आप इस चीज को करते हैं. उसके बाद आप डेटा को गैदर करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द यूजर. फिर उसको वैलिडेट करते हैं अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट, रिफाइन करते हैं डॉक्यूमेंट को, और जो क्वेश्चन उसने पूछे उसके आंसर को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं. तो ये टू वे प्रोसेस है, किया आगे बढ़े, नहीं किया है तो. जब इस सर्किल को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हम रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, फिर वैलिडेट करते हैं, और जिनका आंसर नहीं मिला है उसके आंसर को खोजने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद कंसीव करते हैं एक हायर लेवल डिजाइन. और बाद में इसी डिजाइन को कहा जाता है SDD, सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट. क्लियर है? यस सर. अगर आप डिजाइन के बारे में आगे पढ़ेंगे तो डिजाइन आपकी सेटिस्फाई करेगी किसको किसको, कस्टमर को और डेवलपर को जो इम्प्लीमेंटर है. जब इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए ही डिजाइन को क्रिएट किया जाता है. कस्टमर जब एग्री करेगा तभी आप इस डिजाइन डॉक्यूमेंट को लेकर आगे फॉरवर्ड होंगे, नहीं तो आप इसी चीज को बार बार डिजाइन
करने की कोशिश करते रहेंगे। क्लियर है? कॉन्सेप्चुअल डिजाइन और टेक्निकल डिजाइन में अंतर क्या होता है? जो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है वो कस्टमर बनाता है, अपना कॉन्सेप्ट बनाएगा कि उसको करना क्या है। वो आपसे ये आप उस समय ध्यान नहीं देंगे कैसे करना है, तो क्वेश्चन आता है कि क्या करना है। जो डिजाइन डॉक्यूमेंट केवल इस सवाल का जवाब दे कि क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, दे आर नोन एज कॉन्सेप्चुअल डिजाइन। क्लियर है? और एक सेकेंड, महिमा आप लेट क्यों आए बेटा? यस सर। आप लेट क्यों आए? सर थोड़ा सा बिजी हो गए थे सर, कुछ घर का थोड़ा सा काम था, सॉरी सर। चलिए ठीक है, 24 लोग हैं इसमें। और जब हम इस चीज की डिजाइन बात करते हैं कि हम कैसे डिजाइन करेंगे, जो उसको टेक्निकल डिजाइन कहा जाता है, तो दोनों पार्ट ऑफ डिजाइन प्रोसेस को आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्चुअल डिजाइन आंसर वेयर विल द डेटा कम फ्रॉम, डेटा कहां से आएगा, What will happen to data in the system? Data किस तरह से सिस्टम में वर्कआउट करेगा, सिस्टम किस तरीके से यूजर को व्यू होगा, क्या क्या चॉइसेस यूजर ऑफर करेगा, क्या क्या सॉफ्टवेयर आपका चॉइसेस देगा, What is the timing of events? कितने टाइम में कोई इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपकी रिपोर्ट और स्क्रीन कैसे दिखाई पड़ेगी, ये सब चीजें आपकी कॉन्सेप्चुअल डिजाइन में आती हैं। और टेक्निकल डिजाइन में जो चीज आती हैं वो आती हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर कौन सा जरूरत है, कम्युनिकेशन इंटरफेस कहाँ पे किस तरह का है, इनपुट आउटपुट ऑफ द सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, और कोई भी चीज दैट ट्रांसलेट द रिक्वायरमेंट इन टू ए सोल्यूशन टू ए कस्टमर प्रॉब्लम। क्लियर है ती बात? The software design need to be correct and complete
it should be understandable at any stage. It should be at the right level. That means conceptual design to the user and technical design to the developer. And it can be maintainable or scalable. डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि बाद में स्केल्ड भी आप उसको अप डाउन कर सकते हैं. क्लियर है? The modular design facilitates future maintenance of software. Module design has become well accepted approach to build software product. यानी अगर कोई बहुत बड़ा पार्ट है सॉफ्टवेयर का तो उसको हम सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि छोटे छोटे हिस्सों में आप डिवाइड कर दीजिए और फिर उस छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने के बाद आप उसको अलग अलग लोगों को बांट सकते हैं जिससे डेवलपमेंट का काम शुरू हो सकता है. सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू रिलेटिवली इंडिपेंडेंट नेम्ड एंड एड्रेसेबल कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड अ मॉड्यूल. The modularity is the only attribute of software product that make it manageable and maintainable. अगर modularity ना हो तो आपका software ना manageable होगा ना maintainable होगा. इन दोनों काम को करने के लिए आपका software को क्या होना चाहिए? Manageable भी होना चाहिए और maintainable भी होना चाहिए. Clear है? आगे चलते हैं. मॉड्यूलर डिजाइन बेसिकली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को डिवाइड करते हैं अलग अलग मॉड्यूल्स में और मॉड्यूल्स को डिवाइड करने के बाद हम सॉफ्टवेयर डेवलपर के थ्रू वर्क करते हैं इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स पे. That can be later on integrated to build the final product. इसका मतलब क्या है कि हम parallel development को encourage करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो parallel development है वो चलता रहे. Clear है? Yes, sir. आज बेटा हम लोग मॉडल डिजाइन के बारे में ही इतना पढ़ेंगे. अब अगले क्लास में हम आलो आगे ही पढ़ते हैं. ठीक है? और आज मैं किसी समय आपका सरप्राइज शेड्यूल करूंगा और आपको मैसेज कर दूंगा. ठीक है? ओके, थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.